बलिया जनपद के चितबड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा स्थित बलिया गाजीपुर मुख्य मार्ग से सटे राज्य बालिका विद्यालय में 300 छात्राओं को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई तथा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत चितबड़ा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य परीक्षण के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्री नरही की डॉक्टर रीना पांडे द्वारा कुल 300 छात्रों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई। संजय राय की रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज। जैसा कि मैडम पैट के लिए बता रही थी तो स्कूल में वो नहीं मिलता है। आप जिस गांव से हैं, जिस गांव से जान सकती हैं, उस गांव से संबंधित जो आपकी आशा होगी, उस आशा से आप अपने जरूरत के हिसाब से जो भी सामान की आवश्यकता है आप उनसे जो है स्वयं जाके ले सकते, ठीक है। गांव में आशाओं को प्रोवाइड किया जाता है कि आशा जो है वो इसकी आवश्यकता जो है वो उनको वो वहाँ से वो देंगे। दूसरी चीज है, अभी मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था और मैडम से भी उसकी रिपोर्ट बाद में मांगी जाएगी। मैडम आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर रीना पांडे, सीएससी नरेंद्र हॉस्पिटल जी। यह क्या कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम 10 से 16 साल की लड़कियों के लिए इनके मासिक या मेंस्ट्रुएशन चीज को स्वच्छता के लिए है कि इस पीरियड में इनको कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, बाकी कैसे अपने अपने सारी चीज़ को अच्छे से शारीरिक अंगों को अच्छे से क्लीन करके रखें कि कहीं भी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन इनकी बॉडी में ना हो। क्या इसका कोई तारीख निर्धारित है या कब से कब तक चलाना है? अभी तो कोई डेट नहीं फिक्स्ड। सरकार की योजना है? सरकार की योजना है। इंडिया क्राइम न्यूज। जुर्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।